नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस की टीच में। दोस्तों, एमपी बोर्ड 10th और 12th परीक्षाओं की संभावित जो तारीख है वो आ चुकी है। इस तारीख के आपके पेपर होंगे, जो बोर्ड पेपर हैं वो आपके इस तारीख को होंगे, संभावित है इस तारीख से ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और APLE के भी आपको पेपर मिल जाएंगे और आपको MP बोर्ड के भी पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं की संभावित तारीख सामने आ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह दोनों परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो जाएगा। हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से और हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होने की संभावना है। तो अगले सप्ताह में इसका टाइम टेबल आ जाएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो एमपी बोर्ड परीक्षाओं में 19 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। इस बार 10वीं 12वीं की सालाना परीक्षा में 19 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें लगभग 4 लाख छात्र प्राइवेट होंगे। यदि विभाग को शासन से अनुमति मिल जाती है तो इस साल नियमित छात्र छात्राओं के साथ प्राइवेट को भी प्रोजेक्ट के 20 अंक अलग से मिल सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए शासन को पत्र लिखा है। परीक्षा केंद्रों की सूची दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। इस साल भी होंगे 80 अंक के ही होंगे NCERT विषयों के पेपर। तो 10वीं 12वीं के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT के विषयों के पेपर इस साल भी 80 अंकों के होंगे। विद्यार्थियों को 20% अंक प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल के मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया है कि कुछ जिले से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में मानदंडों का पालन नहीं किया गया था एवं सरकारी स्कूल होने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्रों की सूची में शामिल किया गया था। वहीं कुछ परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के नाम शामिल किए गए थे, इस कारण इस सूची को जिले को वापस कर दिया गया था। अधिकांश जिले से सूची आ गई है, भिंड एवं मुरैना से सूची आना शेष है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साल भी होंगे 80 अंक के पेपर, जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। और अगले सप्ताह में 10th और 12th का जो परीक्षा का तारीख डेट सामने आ जाएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।